और बागियों पर भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान दिया और कहा कि वो लोग देख लें कि क्या करना है। बागियों के टिकट काटने पर ये बयान, हमारे सर्वे में वो हार रहे थे इस वजह से टिकट कटी है, अब वो खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है। 15 विधायकों के टिकट इस बार कटे हैं, आम आदमी पार्टी के बगावत भी हो रही है, लेकिन साफ साफ डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे सर्वे में वो हार रहे थे इसकी वजह से उनकी टिकट कटी है। विनोद लांबा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ। विनोद, जो कि 15 टिकट कटे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जो सर्वे हो रहे थे उस सर्वे के मुताबिक उनका हारना तय था, इस वजह से उनके टिकट कटे हैं, अब वो खुद तय करें उन्हें आगे क्या करना है। देखिए, सीलमपुर में जो हाजी इशराक हैं और इसके अलावा जो हरिनगर की बात की जाए, जगदीप सिंह दो बागी हैं जिन्होंने पर्चा भरा है और नॉमिनेशन किया, और आज नॉमिनेशन की वापस लेने की आखिरी तारीख है। उसको लेकर मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि ये दोनों ही कैंडिडेट इस तरह के हैं जो हमारे सर्वे में हार रहे थे, इसी वजह से इनका टिकट कटा, अब ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो ये खुद जाने कि इनका किस तरह का प्रदर्शन रहेगा और क्या सोच कर चुनावी रंग में उतरे हैं। साफ तौर पर हमारे सर्वे में, हमारी रिपोर्ट्स में इनके जीतने के चांसेस नहीं थे, इसी वजह से इनकी टिकट काटी गई। तो साफ तौर पर बागियों की चिंता ना करते हुए, उनको उनके हाल पर छोड़ते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारे सर्वे में, यानी कि आम आदमी पार्टी के सर्वे में, उनके जीतने के चांसेस नहीं थे, इसी वजह से उनकी टिकट काटी गई, अब वो तय करें कि उन्हें क्या करना है। शुक्रिया आपका विनोद इस खबर पर जानकारी देने के लिए।